हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एसआई यूनिट। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि एसआई यूनिट पे वीडियो डालो, तो मैं आज डाल रही हूँ। तो हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, हैव रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग एंड मेजरमेंट्स। जो हमारी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में चलते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि रिप्लेस की गई है। हमारा जो ओल्ड सिस्टम था हमारा मेजरमेंट्स का केमिस्ट्री लैब में, और जो रिपोर्टिंग का था हमारी लेबोरेटरीज में। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन विच रिकमेंड्स द अडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो किसके अकॉर्डिंग है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। क्या है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वो रिजोल्यूशन विच रिकमेंड द अडोप्शन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसने क्या रिकमेंड किया था? अडोप्ट किया था हमारे इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को बाय द मेडिकल कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेडिकल कम्युनिटी से, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में दी गई है। कंस्टेंटली रिपोर्ट्स एंड मेजरमेंट्स फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सेफली अंडरस्टूड एनीवेयर एल्स। जो हमारी रिपोर्ट्स और मेजरमेंट्स है पूरे देश, मतलब पूरे वर्ल्ड में, सेफली हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसको मेज्योर भी कर सकते हैं, मतलब जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको मेज्योर। द एसआई सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मेट्रो किलोग्राम सेकंड सिस्टम एंड रिप्लेस बोथ द फुट पाउंड सेकंड सिस्टम एंड द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। जो हमारा एसआई सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड था? मेट्रो किलोग्राम सेकंड सिस्टम के, जो कि किससे रिप्लेस किया गया है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम से और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम से। देयर आर सेवन एस आई बेस यूनिट्स। जो हमारी सेवन एस आई बेस यूनिट्स वो कौन कौन सी हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, एम्पेयर, कैलविन एंड कैंडेला। द सिस्टम फॉर दिस यूनिट्स एंड वर्ड दे मेजर आर लिस्टेड इन। जो इसके सिम्बल्स हैं और जो इनकी यूनिट्स हैं वो किस में दी गई है? हमारे टेबल 3.1 में। ये हमारी पूरी टेबल है, इसमें अब हमें रीड करेंगे। लीटर क्या है? एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। जो हमारे एस आई यूनिट की वॉल्यूम है वो क्या है? क्यूबिक मीटर। एम, वो जो थ्री होता है ना एम के ऊपर, उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। ये बहुत लार्ज यूनिट है, हैंस द लेटर द लीटर ऑल्थो नॉट एन एस आई यूनिट। जो हमारा लीटर है वो एस आई यूनिट नहीं है। हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन द लेबोरेटरी। और ये किसके, लेकिन इसको फिर भी रिकमेंड किया गया है हमारी लेबोरेटरीज में यूज़ करने के लिए। द लीटर इज़ इक्वल टू ए क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम मेजरमेंट आर मेड इन लीटर्स। जो हमारा ये है द सिंबल ऑफ यूनिट्स एंड व्हाट दे मेजर। तो ये देखिए हमारा जो एस आई बेस यूनिट्स है इसको आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पास कर दिया। हमारा मीटर है, इसका सिंबल है एम। लेंथ है किलोमीटर है, किलोग्राम है के जी। क्वान्टिटी मेजर्ड है मास। सेकेंड है एस, टाइम है इसका। और एम्पीयर है ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट। केल्विन का के, इसकी क्वांटिटी मेजरमेंट है टेम्परेचर। कैंडेला का है सी डी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एस आई डिराइव्ड यूनिट्स, स्क्वायर मीटर एम की स्क्वायर एरिया, क्यूबिक मीटर एम की क्यूबिक वॉल्यूम, मीटर पर सेकंड एम। एस क्या है? स्पीड। जो हमारी नेम्ड एस आई डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो क्या होता है? हर्ट्ज। एच जेड फ्रिक्वेंसी है इसकी। जोल जे एनर्जी क्वान्टिटी ऑफ हीट। न्यूटोन एन फोर्स। पास्कल पी ए प्रेशर। वाट W पावर। वोल्ट V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिग्री सेल्सियस क्या है? सेल्सियस टेम्परेचर। डिग्री C। और ये हमारा है एस आई यूनिट प्रीफिक्सेस। ये है प्रीफिक्स डी ई सी आई डेसी, सिंबल है D, फंक्शन है 10-1 करके डिवाइडेड, ये डिवाइडेड बाय करके दिखाया गया है इसमें। ये सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ये सारे इसके सिंबल्स दिए गए हैं और ये फंक्शन है और ये डिवाइड करके बताए गए हैं यहाँ पे। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारा और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द लीटर, एग्जांपल डीएल डेसीलीटर, मिलीलीटर। वन लीटर इज़ देयर फॉर इक्विवेलेंट टू 10 डेसीलीटर, 1000 एमएल और जो ये है 10 लैक्स माइक्रोन लीटर। वन डेसीलीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 100 एमएल एंड 1 एमएल टू 1000 माइक्रोन लीटर। एसआई यूनिट और ओल्ड यूनिट, जो हमारी एसआई यूनिट वो है डीएल 100 एमएल, एमएल और सेंटीमीटर की क्यूबिक सीसी। माइक्रोन लीटर है एल ए एम बी डी ए और माइक्रोन लीटर यहाँ पे डैश डाली हुई है इन्होंने पी एल माइक्रोन माइक्रोन एल करके। जो हमारा ग्राम है, द किलोग्राम इज़ द एस आई यूनिट फॉर मास एंड अ ग्राम इज़ द वर्किंग यूनिट। जो हमारे किलोग्राम है वो एस आई यूनिट फॉर मास एंड अ ग्राम इज़ द वर्किंग यूनिट। जो हमारी ग्राम है वो है वर्किंग यूनिट। ग्राम को हम कैसे लिखते हैं? जी एम करके। किलोग्राम को के जी करके। मास मेजरमेंट्स आर मेड इन ग्राम्स और इन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द ग्राम।
mg 10 की क्यूबिक ग्राम, ug 10 की -6 करके ग्राम, ng 10 की -9 करके ग्राम कर, और ये pg 1 ग्राम इज देयर फॉर इक्विवेलेंट टू 1000 mg. ऐसा 1 mg इज इक्विवेलेंट टू 1000 ug. ऐसा यूनिट और ओल्ड यूनिट nm नैनोमीटर है, में भी ये माइक्रोन करके डाला हुआ है, और ये um है, यू माइक्रोन, इसको माइक्रोन ही बोला जाता है ऐसे करके जो होता है. और ये आगे हमारा है मोल. द मोल इज़ द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ द अमाउंट्स सब्सटेंसेस आर मेड इन मोल्स. जो हमारे एसआई यूनिट्स के अमाउंट्स है, जो हमारे सब्सटेंस है, मेजरमेंट्स है, उनका जो अमाउंट्स होता है वो किसके ऊपर होता है, मोल्स के. और इन एम मोल 10 की क्यूबिक, माइक्रोन मोल 10 -6 मोल, और नैनो मोल क्या होता है, 10 की 9 मोल. 1 मोल इज़ देयर फॉर इक्विवेलेंट टू 1000 एम मतलब मोल, और ये लाख मोल कर दिया ये करोड़ में, और 1 मोल इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 मोल. अर्लियर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट्स एक्सप्रेस्ड इन मोल वर एक्सप्रेस्ड इन mg बाय 100 ml और ug बाय 100 ml. द फॉर्मूला यूज टू कन्वर्ट mg 100 ml टू नैनोमीटर मोल l इज एज फॉलोअर्स. mg बाय 100 ml 10 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस. वेयर द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटेड और डिटरमाइंड, एल्बुमिन. रिजल्ट आर एक्सप्रेस ग्राम पर. जो हमारा एसआई यूनिट के मोल है, और ये हमारे ओल्ड यूनिट्स के थे. इंटरनेशनल यूनिट्स, दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एंजाइम एक्टिविटी. एंड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज दैट अमाउंट ऑफ एंजाइम. जो हमारी दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एंजाइम एक्टिविटी. जो ये यूनिट है क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारी एंजाइम एक्टिविटीज़ को. एंड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज दैट अमाउंट ऑफ एंजाइम विच अंडर डिफाइंड एस ए कंडीशन विल कैटलाइज द कन्वर्सेशन ऑफ 1 माइक्रोन मोल ऑफ सब्सट्रेट पर मिनट. रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस इंटरनेशनल यूनिट पर. ये कन्वर्सेशन फैक्टर्स दिए गए हमारे एस आई टू मैट्रिक यूनिट से. जो हमारा बिलिरुबिन है वो किससे किया गया है, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, क्रेटिनिन. ये हमारे जो हमारी लैब मेजरमेंट्स होती है, या फिर जो हम इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ देते हैं, तो उसके पीछे ये लगाया जाता है. ट्राइग्लाइसराइड का, यूरेट का, यूरिया का, PO2 का, KPA, PCO का, KPA करके, और ये mg पर डेसीलीटर इनको ऐसे करके दिखाया गया है. तो हम इसमें क्या लिखते हैं, mg पर डेसीलीटर. जो ये हमारा ग्राम है, ये क्या है, ये हमारे क्रेटिनिन है. वेट हाँ ठीक है. और ये क्या है, करेक्शन टू नियरेस्ट 5% कंसंट्रेशन mg पर डेसीलीटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन नैनोमोल बाय l. और ये है x इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट. ठीक है, तो हमारी ऐसा यूनिट जो बिल्कुल ही छोटी सी थी और इजी भी थी, तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.